इंस्पायरो में आपका स्वागत है। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराए हो जाते हैं। जीवन का सबसे कीमती संसाधन समय होता है। ये एकमात्र पूंजी है जो किसी भी इंसान के पास होती है, और जिसके सही उपयोग से वो सफलता की हर मंजिल तक पहुंच सकता है। कोई भी आपके समय को महत्व नहीं देगा यदि आप स्वयं उसको महत्व नहीं देते हैं। लोग आपको व्यर्थ की चीजों में व्यस्त रख सकते हैं, लेकिन ये तय आपको करना है कि आज का छलावा कहीं बाद में पछतावा साबित ना हो जाए। लक्ष्य और समय दोनों ही सफलता के वो हिस्से हैं जो हमेशा समानांतर चलते हैं। समय का सही उपयोग लक्ष्य की ओर ले जाता है, और उसका दुरुपयोग पछतावे की ओर। खोया हुआ धन व्यवसाय द्वारा दोबारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय हमेशा के लिए चला जाता है। अगर आपने पैसा बर्बाद किया तो आपका केवल पैसा खत्म होगा, लेकिन अगर आपने अपना समय बर्बाद किया तो आप अपनी जीवन का एक हिस्सा खो दिया। एक दिन स्वामी विवेकानंद नदी के किनारे नाव का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर उनके पास एक साधु आकर बैठ गए। साधु ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि आप यहां पर क्यों बैठे हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं यहां पर नाव का इंतजार कर रहा हूं। साधु ने पूछा, आपका नाम क्या है। विवेकानंद ने कहा कि मैं विवेकानंद हूं। साधु चौंक गए और कहने लगे कि आप सच में वो महान स्वामी विवेकानंद हैं। विवेकानंद ने कहा कि हां, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूं। साधु ने विवेकानंद के कहा, तो फिर आप क्यों यहां पर बैठे हो। और इतना कहते ही साधु पानी पर चलने लगे। साधु ने पानी पर चलते हुए स्वामी विवेकानंद से कहा कि देखो, मैं पानी पर चल सकता हूं, क्या आप नहीं चल सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने उसका उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद नाव आ गई, और स्वामी विवेकानंद ने उस साधु से कहा कि आप भी चलिए मेरे साथ उस पार नाव में। साधु बिना कुछ सोचे तुरंत विवेकानंद के साथ नाव में बैठ गए। स्वामी विवेकानंद ने उस पार पहुंचते ही नाव का भाड़ा दिया, सिर्फ 1 रुपए। विवेकानंद ने विनम्रता से साधु से पूछा कि आपने ये अद्भुत विद्या प्राप्त करने में कितना समय गुजार लिया। साधु ने कहा कि मैंने ये विद्या प्राप्त करने में 15 साल व्यतीत किए, तब जाके मुझे ये विद्या प्राप्त हुई है। स्वामी विवेकानंद ने साधु से कहा कि आपने जो विद्या प्राप्त की है, उस विद्या के लिए केवल 50 पैसे देकर आप इस पार से उस पार जा सकते हो। यानी केवल 50 पैसे के लिए आपने अपने 15 साल बर्बाद कर दिए। स्वामी विवेकानंद का कहने का तात्पर्य सिर्फ यही था कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें इस तरह बेकार के कामों में अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। समय हमारे ऊपर से गुजर जाता है, लेकिन पीछे अपनी छाया छोड़ देता है। हमें हमेशा समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए, और यह याद रखना चाहिए कि समय हमेशा सही करने के लिए परिपक्व है। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, क्या पता मैं तुझे हंसाऊंगा या फिर रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल जी ले, क्योंकि मैं इस पल को अगले पल तक ना रोक पाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Like, comment, and subscribe to our channel and turn on the notification bell to stay updated with our latest uploads.